घर घर मची तबाही, डार्लिंग हुई महंगाई, घर घर मची तबाही, डार्लिंग हुई महंगाई, घर घर मची तबाही, महंगी सब्जी महंगी दाल, कब जाएगी मोदी सरकार, 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 डार्लिंग हुई महंगाई, घर घर मची तबाही, डार्लिंग हुई महंगाई, घर घर मची तबाही, डार्लिंग हुई महंगाई, घर घर मची तबाही, महंगी सब्जी महंगी दाल, कब जाएगी मोदी सरकार, महंगी सब्जी महंगी दाल, कब जाएगी मोदी सरकार। महंगाई से जिससे आम आदमी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, आम आदमी के रसोई का बजट, आम आदमी के परिवार का बजट इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो है महंगाई। महंगाई डायन जो होती थी 2014 से पहले, यही बीजेपी नेता जो आज सेंटर के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, यही बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरते थे और महंगाई डायन डायन चलाते थे, मगर शायद ये 7 सालों के अंदर यही डायन अब इनकी डार्लिंग बन चुकी है। यानी जनता से महंगाई को छुटकारा दिलाने में सरकार इस समय पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अगर इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी की भी बात करें तो जो 2014 के अंदर डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 2.80 रुपये हुआ करती थी, आज 21 से 22 रुपये तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल के ऊपर भी हमारी जो है एक्साइज ड्यूटी कई गुना बढ़ चुकी है। शिवसेना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करती है कि पहले तो तत्काल प्रभाव के अंदर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि आम आदमी को महंगाई से राहत दी जाए। देखिए, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो डीजल और पेट्रोल के कारण प्रभावित हो रही हैं, उसके आसमान छू रहे हैं उसके मूल्य। इसके साथ ही तमाम इस समय जनता के लिए जो सेविंग स्कीम है उस पर भी ब्याज दर इसमें सबसे निचले स्तर पर है। आर्थिक मंदी छाई हुई है, बेरोजगार जो है कि तलवार हर युवा के ऊपर इस समय लटकी हुई है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि जनता को इस बेलगाम होती महंगाई से जल्द राहत दी जाए, पेट्रोल डीजल को तत्काल प्रभाव के अंदर जीएसटी के दायरे के अंदर लाया जाए।